हमारा देश, हमारा शहर, हमारा समाज ही हमारी खबरें बनाता है। हम हमारे समाज में हो रही घटनाओं को आपसे रूबरू कराते हैं और आपका ध्यान आपके अपने कर्तव्यों के प्रति भी करवाते हैं, क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं, मकसद है कुछ तो बदलाव आए। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार, मैं आरुषि आपका स्वागत करती हूँ न्यूज प्लस में। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। कानपुर में इरफान सोलंकी के नेतृत्व में सपा के कार्यकर्ता जमीन पर लेटकर प्रदर्शन कर रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार का पुतला भी फूंका, योगी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए और सपा ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में धरने पर बैठे हैं। सपा समर्थकों ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। पुलिस ने सपा समर्थकों को बस में भर कर वहां से ले गई। अजय मिश्रा टेनी का पुतला फूंका गया है, जिसने तानाशाही पूर्वक उसके सुपुत्र ने लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और किसानों की हत्या की। ऐसे हत्यारे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में उस वक्त तक के आंदोलन चलता रहेगा जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं आता, जब तक मृतक किसानों को दो दो करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिलता, जब तक उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती। देश के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों पे धरना दे रहे, किसानों पे कार चलाई है, 8 किसान मर गए। छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। जिस इस हाल में इसके बावजूद भी देश का गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, उसका लड़का ये स्थिति आ गई है कि उसका लड़का अभी भी फरार है और ये देश की सरकार, गूंगी बहरी सरकार और इन भ्रष्टाचारियों जंगल राज की सरकार, आज ये स्थिति आ गई कि योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं करी। हम विनती करते हैं 2 करोड़ मुआवजे के लिए, हम बात करना चाहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, हम बात करना चाहते हैं उसमें 302 का मुकदमा लगे और 120 का मुकदमा गृह राज्य मंत्री पे लगे और वो इस्तीफा दें, गृह राज्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी ही कॉल थी, उनकी ही कॉल पे लोग आए थे। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।